भागलपुर जिले का कुख्यात एवं मोस्ट वांटेड टॉप 10 अपराधी फेकू मियां का पुत्र टिंकू मियां उर्फ तालिब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। एसएसपी आनंद कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि भागलपुर जिले का कुख्यात और मोस्ट वांटेड अपराधी जो मुगलपुरा हुसैनाबाद का रहने वाला फेकू मियां का पुत्र मोहम्मद टिंकू उर्फ तालिब है, कोलकाता से सड़क मार्ग द्वारा भागलपुर आने वाला है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर अमित रंजन के निगरानी में एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम द्वारा मोहम्मद टिंकू उर्फ तालिब को पुलिस ने नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। टिंकू मियां जिले के टॉप 10 अपराधियों में से एक है। टिंकू मियां को किस तरह से गिरफ्तार किया गया यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने दी। देखिए, टिंकू मियां जो कि भागलपुर के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है सर, और पिछले 20 साल से यह जेल नहीं गया है और जिसके ऊपर हत्या के 3 और आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के 3, हत्या के प्रयास के सहित कई कांड इसके ऊपर दर्ज हैं और पिछले कई सालों से यह फरार था। और इसकी खासियत यह थी कि यह रहता नहीं था यहाँ पे उसका सिंडिकेट काम करता था और अपने ये जो पड़ोसी राज्य हैं बिहार के, उनमें अपने इसने कई ठिकाने बना रखे थे और इसके ऊपर भागलपुर पुलिस पिछले 3 माह से लगातार काम कर रही थी। डीएसपी सिटी अजय चौधरी के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही थी। अभी 2 दिन पहले हम लोग को सूचना प्राप्त हुई इसके मूवमेंट के, तो हम लोगों ने एक छोटी टीम बनाई जिसका नेतृत्व डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव और इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश एसएचओ बाईपास टीओपी, सब इंस्पेक्टर विवेक एसएचओ सबौर और इनके 5 आर्म गार्ड थे। एक छोटी टीम हम लोगों ने बनाया और वह उस टीम ने जाकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और पश्चिम बंगाल के पाथर छपरी एक जगह है जो कि दुमका जो जिला है झारखंड का, उस पार बीरभूम पड़ता है, उसके बॉर्डर पे एक जगह है जहाँ पे इसने अपना ठिकाना बना रखा था। उस टीम ने पूरी मेहनत से और वहाँ से इसको गिरफ्तार किया मध्यरात्रि के बाद और उसके बाद हम लोग इसको आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। बंगाल की सीमा से गिरफ्तार किया या दुमका की सीमा से? नहीं, ये बंगाल से गिरफ्तार हुआ है। ये बंगाल और झारखंड की सीमा के पास एक छोटा सा कस्बा है सर, सर जिसका नाम है पाथर छपरी, एक टूरिस्ट स्पॉट भी है वहाँ, बहुत सारे लोग वहाँ पे दरगाह है जहाँ बहुत सारे लोग वहाँ घूमने भी आते हैं सर, वहाँ से इसकी गिरफ्तारी। कितने केस इस पर है? इस पे अभी तक जो हम लोगों ने अब इसके अपराधी इतिहास को खंगाला है तो कुल 9 कांड इसके ऊपर मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और भी कांडों में ये वांछित है। हम लोग और भी थानों से इसके रिकॉर्ड को खंगाल रहे हैं और उन सभी कांडों में इसको रिमांड भी किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है सर पुलिस के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है सम्मानित। इसमें जो भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, चाहे वो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव हों, डीएसपी सिटी हों अजय चौधरी, एसएचओ सबौर, एसएचओ बाईपास टीओपी और इनकी जो आर्म पार्टी थी जिन्होंने इतनी बहादुरी से और इतने अल्पकाल में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और इतने दुर्दांत अपराधी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की, इनको पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय को पत्र भी लिखा जाएगा इन सभी लोगों को। सर एक अहम बिंदु है, टिंकू मियां को कौन अपराधी वहाँ संरक्षण देता था? बंगाल में मोटिया ब्रिज में कौन हथियार उपलब्ध करवाता था? हथियार की अपराध की सारी योजना बंगाल से ही बनाता था। देखिए, ये कलकत्ता में छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर भी ये इसने अपना ठिकाना बना रखा था और उस पर भी हम लोग काम कर रहे थे और अभी जहाँ गिरफ्तारी हुई है वो वहाँ कुछ दिन पहले शिफ्ट किया था। इसके जो भी पनाहगार हैं और जो भी इनको आम सप्लाई करते हैं उस बारे में भी इससे पूछताछ हुई है, बहुत सारी जानकारियाँ भी सामने आई हैं और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके सिंडिकेट के जितने लोग हैं, इसी सिंडिकेट का एक अपराधी जो अहमद कुरैशी वह भी टॉप 10 में शामिल था, अभी 2-3 सप्ताह पूर्व ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। तो भागलपुर के जितने भी बड़े क्रिमिनल हैं उनकी गिरफ्तारी का अभियान लगातार जारी है और यह आगे भी जारी रहेगा। अपराधी कहीं भी छुपे हों भागलपुर पुलिस उनको निकाल के। सर इनके पिताजी पहले 50,000। सबरंग
भागलपुर बिहार झारखंड का सबसे बड़ा कपड़ों का स्टोर ग्रैंड ओपनिंग 25 सितंबर को। अब सह परिवार सादर आमंत्रित है। हर कपड़ा मार्केट से सस्ते दामों में। नियर होटल चिन्मय कटहलबारी रोड तिलका मांझी भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खलखलिया नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। एसडीआरएफ टीम के पहुंचने से पहले आपदा मित्र ने खोज कर सबको निकाल लिया। बता दें जगदीशपुर थाना क्षेत्र के उदेसी गांव के निकट चंदन नदी पार करने के दौरान एक व्यक्ति नदी की तेज धार में बह गया, जिसकी तलाश शुक्रवार से ही की जा रही थी। इस बात की सूचना ग्रामीणों द्वारा अंचलाधिकारी को दिया गया। अंचलाधिकारी ने तत्काल स्थानीय आपदा मित्र को घटनास्थल पर भेजा और एसडीआरएफ टीम को इसकी सूचना दी, परंतु रात होने के कारण एसडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची। शनिवार की सुबह क्षेत्र के आपदा मित्रों को इसकी सूचना मिली। मौके पर आपदा मित्र की टीम घटनास्थल पर पहुंची और डूबे गए व्यक्ति की खोज शुरू कर दी। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर उस व्यक्ति के शव को देखा गया। आपदा मित्र की टीम के द्वारा खोज निकाला गया। तब तक में उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। मृतक व्यक्ति की पहचान 45 वर्षीय पिंटू राम खंजरपुर आमापुर थाना निवासी के रूप में हुई है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि वो अपने ससुराल जा रहा था, नदी तैर कर पार कर रहा था। इसी बीच पानी की तेज बहाव होने से नदी में डूब गया। नदी के उस पार मृतक का साला अनिल राम इंतजार कर रहा था। मृतक की मां ने कहा कि मेरा बेटा ससुराल बलि का प्रसाद खाने जा रहा था। मृतक अपने पीछे 2 पुत्र और 2 पुत्री को छोड़ गया है। उदेसी में पिंटू कुमार तो राम के नाम से एक व्यक्ति का ला रहा था, ससुराल भोज खाने के क्रम में नदी में डूब गया। कौन सा नदी? खलबलिया चानन नदी में। उसके बाद हम लोग अपना टीम दल बल के साथ आए, तभी उनको खोजबीन करने लगे। तब वो जो है नदी में पानी में डूबा हुआ। घटना कब की है? घटना कल शाम 4 बजे बताया जा रहा था। सूचना आपको कब मिला? सूचना सुबह 7 बजे दिन में हमको मिला। उसके बाद हम लोग पूरे टीम के साथ आए, अपना टीम के साथ तब खोजबीन करने के बाद उससे नदी से हम लोग काफ़ी मशक्कत से बाहर किए। ग्रामीण के सहयोग? ग्रामीण लोग भी सहयोग में थे। ग्रामीण लोग बता रहा था वहाँ से डूबे तो जहाँ से भसा था वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर में आकर के वो नदी में डूबा हुआ था, जो कि कास के मत्थी में फंसे हुए थे, तभी हम लोग उनको निकाले। आपके टीम में कितने आदमी थे? हम लोग करीब 10 लोग आए थे। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत सहजंगी पंचायत नवटोलिया गांव के लोग नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। गांव जलजमाव से पूरी तरह प्रभावित है। थोड़ी बारिश में ही यहां मुख्य मार्ग पर जलजमाव के साथ सभी घरों में बारिश का पानी प्रवेश कर जाता है, जिससे जनजीवन बाधित हो जाता है। जलजमाव के कारण आसपास के गाँव के छोटे मोटे सब्जी फल कपड़ा आदि विक्रेता अपनी दुकान नहीं लगा पा रहे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित विधायक सांसद को दी, पर किसी ने इनका हाल नहीं जाना। इस गांव में लगभग 50 से ज्यादा घरों में बारिश का गंदा पानी घुसा हुआ है। साथ ही 20 गांव को जोड़ने वाला बादलपुर सहजंगी सड़क पानी में डूब गया है। लगभग 25,000 आबादी का आवागमन पिछले 1 माह से ठप है। बच्चों का स्कूल जाना व रोजमर्रा के कार्य के लिए लोग आवागमन नहीं कर पा रहे। नाला बंद होने और निकासी बंद होने के कारण पानी से सड़क भरा हुआ है। लंबे समय से नाला व सड़क पर गंदा पानी जमा होने के कारण महामारी की आशंका है। कई बच्चे और मच्छर जनित बीमारी के प्रकोप में है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण बद से बदतर जीवन जीने को मजबूर है। ये क्षेत्र देखिए सजंगी पंचायत के अंतर्गत नकलिया गांव है। आज से 10-15 साल पहले बहुत बुरा इसका गंध था, लेकिन बाद में जनप्रतिनिधियों और लोगों के स्थानीय लोगों के जागरूकता से रोड तो बन गया, लेकिन पिछले 1 साल से इस बार कह लीजिए कि बारिश में बहुत खतरनाक स्थिति बन गई है। कम से कम 40,000 की आबादी प्रभावित है।
पांच दस पंचायत को लोग इस मौके पर भागलपुर से आते जाते हैं और जुड़ते हैं। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग का भी जलसा रोजाना होता है। अब हम आदमी के अस्तित्व की लड़ाई हो गई है। अब अस्तित्व यहाँ पर आप देख लीजिए सामने कितना जो है पानी जमा है हर घर के सामने। ये सारा डेंगू का समय है, मलेरिया का समय है, इसमें मच्छर सीधा सीधा आमंत्रण जो है महामारी का आमंत्रण है। इसलिए हम लोग सबका यह है कि जो यहाँ के मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, मुखिया जी अपने आपातकालीन कोष से स्थान जान करके फिलहाल कम से कम इसका जो है पानी निकासी का रास्ता पास हो चुके, घरों वाले से कर चुके, उनका ये दायित्व है, ये मिलकर लोग करें ताकि ये समस्या का निदान हो। भागलपुर में दो दिवसीय 15वां राज्यस्तरीय बॉक्सिंग जूनियर व सब जूनियर प्रतियोगिता का समापन हो गया। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड खेल भवन से व्यायामशाला भवन में आयोजित इस राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी चयनित हुए हैं उन्हें अब राष्ट्रीय स्तर पर अपना जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम बिहार बॉक्सिंग संघ और जिला बॉक्सिंग संघ के तत्वाधान में कराई गई। 15वीं राज्यस्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के 21 जिलों के 42 टीम के 200 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में जूनियर और सब जूनियर कैटेगरी रखी गई थी जिसमें बालक व बालिका वर्ग के मैच आयोजित हुए, जिसमें कई मैच काफी रोमांचकारी थे। वहीं खेल प्रबंधन ने सभी खिलाड़ियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ये भागलपुर के लिए एक सौगात है, स्मार्ट सिटी बनने के बाद भागलपुर में यह पहला मैच हो रहा है। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक मैदान है जो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव ऐप के तरफ बढ़ा सकते हैं। स्पोर्ट्स ऐसे भी युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है और खासकर अभी बिहार में और भागलपुर में जिस तरह युवा नशा के तरफ गलत नशों के तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसे ग्राउंड जो खेल हैं उसको प्रोत्साहन दिया जाए। मैं बिहार सरकार को आह्वान भी करूँगा कि जो नशा अभी छोटे मात्रा में लोग समझते थे वो बहुत बड़े मात्रा में युवाओं को मिल रहा है। जो पहले फॉरेन में नशा होता था, दारूबंदी होना एक अच्छा विषय है लेकिन उसके कारण जो नशा जा रहा है जिसमें ड्रग्स की मात्रा यूज़ हो रही है वो पूरे पीढ़ी को ख़त्म कर रही है और पूरे परिवार को ख़त्म कर रही है। तो हम लोग सब मिलकर भागलपुर में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएँ ताकि जो युवा साथी हैं उनके एनर्जी जो है, जो ताकत है वो स्पोर्ट्स के तरफ जब वेस्ट होगा तो नशा से वो दूर होंगे। ये जो है 15वां बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जूनियर सब जूनियर का जो है आज मैच का समापन हुआ, जिसमें जो है विजेता उपविजेता फर्स्ट सेकंड थर्ड जो विजेता उपविजेता सब रनर हैं सभी लोगों को प्राइज दिया गया है। और साथ साथ जितने भी प्लेयर जो है यहाँ पे मतलब अच्छा प्रदर्शन किया सबको मेडल देकर जो पुरस्कृत किया गया है। और ये एक प्लेटफॉर्म है आगे बढ़ने के लिए, यही प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे बच्चे जो आगे खेलेंगे और आगे नेशनल के लिए चयनित होंगे। आगे भी इसमें कार्यक्रम होगा जी? बिल्कुल, ये आगे कार्यक्रम होगा और ये खेल भवन में भागलपुर संडिस कंपाउंड खेल भवन में ये कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पर जिला प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है और सभी गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन जो है बच्चों का प्रदर्शन रहा। लगभग 21 जिलों से 200 बच्चे लगभग आए हुए हैं अपना प्रदर्शन करने के लिए और बहुत बेहतरीन, अच्छा लगा। भागलपुर को मेजबानी जो मिली है ये भागलपुर के लोगों के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। जी युवाओं के क्या संदेश है? युवाओं के लिए तो बहुत बड़ी संदेश है, कम से कम खेल के प्रति, पढ़ाई के साथ साथ जो है खेल के प्रति भी लोगों को जागरूक होना चाहिए और खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों से युवा ज़्यादा इसमें भाग लिए हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है खेल के प्रति। भागलपुर के जोगसर थाना प्रभारी रंजीत कुमार और सब इंस्पेक्टर रीता कुमारी का इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन किया गया है, जिसको लेकर शांति समिति जोगसर के लोगों ने एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जिसमें सबों ने इंस्पेक्टर रंजीत कुमार और इंस्पेक्टर रीता कुमारी को पुष्प गुच्छ देकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं शांति समिति के कमल जायसवाल ने कहा कि भागलपुर में जोगसर थाना इन दोनों अधिकारियों के चलते विशेष है। यहां कोई भी अपने कष्ट को लेकर आते हैं तो सबसे पहले उन्हें बैठने के लिए कहा जाता है, यही सबसे बड़ी बात है, उसके बाद उनका काम भी होता है। ऐसे ईमानदार इंस्पेक्टर के लिए सबों ने शुभकामनाएं देते हुए इंस्पेक्टर बनने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। का भागलपुर के जोगसर थाना का जो शांति समिति है, शांति समिति के तमाम मेम्बरानों की ओर से हमारे थाना प्रभारी रंजीत कुमार जी और सब इंस्पेक्टर मैडम हमारी रीता जी का जो प्रोन्नत हुआ है, ऐसे तो भागलपुर जिले माने हेडक्वार्टर में 29 पदाधिकारियों का प्रोन्नत हुआ लेकिन हमारे थाना से दो लोगों का अभिनंदन हम लोग कर रहे हैं चूँकि हमारे थाना से। तो आज हमारी शांति समिति
अपना एक परचम फहरा रही है, एक संवाद देना चाहती है कि पब्लिक अब पुलिस का क्या रिलेशन हो सकता है। हम लोग इनके व्यवहार से इतने संतुष्ट हुए कि हम लोग अपने को रोक नहीं सके। आज की तारीख में कोई भी भला आदमी हमारे थाना में आ जाए, उसको बैठने के लिए जरूर बोला जाता है, आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व होता है। इसलिए यह समर्पण है कि हमारे थाना प्रभारी और उनके तमाम शक्ति सिंह जैसे लोग यहाँ हैं, रीता जी जैसी लोग हैं, और मैं इंस्पेक्टर सुधांशु जी के सामने ये कहना चाहता हूँ कि आपका थाना आदर्श थाना के रूप में भागलपुर में जाना जाएगा। इसका प्रमाण है कि बिना इनके प्रयास का आज शांति समिति अपने समर्पण भाव से अपने पदाधिकारियों का स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान सम्मेलन के तत्वाधान में स्वर्गीय कविराज विद्या नारायण शास्त्री के पुण्य स्मृति में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम भागलपुर के आदमपुर में आयोजित किया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने मुफ्त में शिविर में अपना जांच कराया। कार्यक्रम आयुर्वेदिक सेवा संस्थान रेड क्रॉस रोड भागलपुर में आयोजित किया गया, जहां सुबह से ही लोगों ने डायबिटीज उक्त रक्तचाप के साथ साथ कई रोगों का मुफ्त में जांच कराया। कार्यक्रम के दौरान शहर के कई गण्यमान्य शिक्षाविद समाज सेवी उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि कविराज विद्या नारायण शास्त्री एक अच्छे और कुशल कवि थे। उनकी कविताओं में प्राकृतिक सौंदर्य से लेकर श्रृंगार रस की कविताएं मानो बोलती थी। वहीं कार्यक्रम के दौरान चिकित्सकों ने सैकड़ों लोगों को मुफ्त में कई लोगों की जांच भी की।